दो नुकरे निकाले हैं इसके, ये लोग 740 डिमांड कर रहे हैं, जोड़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जायज मांगोगे ना अभी, तो जायज ही मांगोगे, जायज है। 6 लाख में भी नहीं बनेगा तो 6 लाख का कौन लेके जाएगा? नहीं, खड़ा हुआ थोड़ी ना, तो खड़ा हुआ खड़ा है। अंडा घोटाला, अंडा घोटाला, अंडा घोटाला, अंडा का अंडा ही तो है, रीजन क्या है? अंडा 3 घंटे ख्वार होने के बाद राउंड 2 के बाद जो है वो सौदा हमारा माशाल्लाह हो गया है। चलो गाड़ी के साथ चलें ऊपर चढ़ाए। ओहो भाई वो मना भी कर रहा है, बस कर दो, दो काफी हैं। अब मामा एक काम करो, ले ली भाई, ले ली आओ, ले ली भाई, फाइनली मिशन था भाई, फाइनली जानवर यहाँ पर आ गई है सेटअप पे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ माई न्यू अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस, जैसा कि सीज़न हो गया स्टार्ट शौकीनों का, और हमारा भी मिशन हो गया स्टार्ट, क्योंकि जानवर लेना नॉट ईजी प्रोसेस। जो अभी रेट चल रहे हैं मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि एक ही राउंड में हमें जानवर मिल जाएगा। तो संडे का दिन हो, और जाहिर सी बात है जब सीज़न करीब होता है शौकीनों का, तो लगता है मंडी के चक्कर। तो आज इंशाल्लाह हमारा प्लान है मंडी का, देखते हैं पहले राउंड में जानवर मिलता है नहीं मिलता है। तो वीडियो के साथ हमारे जुड़े रहिएगा, आगे की पूरी कवरेज आपको शेयर करूंगा, और सौदे जितने भी बनते हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, उम्मीद करता हूं कि हमारे पहले राउंड में हमें जानवर मिल जाए। तो लेट्स सी, आए चलते हैं। फाइनली गाइस हम मंडी के करीब पहुंच चुके हैं, और शहर से जितनी दूर मंडी लगी हुई है, मैं रिकमेंड करूंगा जो रास्ते हमारे पास दो, नॉर्दर्न वाले और मेमार वाले। मेमार से अगर आप आते हैं ना, ये वाला रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, तो नज़र आ रहा होगा सामने आपको कि वाकई एक शहर आबाद हो चुका है, और जिस तरीके से अरेंजमेंट है और लाइट्स लगी हुई हैं, तो भाई फुल संडे की नाइट जो है मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं पार्किंग की साइड में, देखते हैं कितना रश है, प्लान तो हो रहा है कि पास बना लें। ये मंडी का एंट्रेंस है भाइयों, लेफ्ट साइड पे जो है पार्किंग वाला एरिया है, और जिस हिसाब से रश नजर आ रहा है आज। गाइस इस तरीके से बताया था कि मिशन स्टार्ट हो चुका है, इस वक्त हम जो हैं अभी जनरल ब्लॉक में घूम रहे हैं और जानवर ढूंढ रहे हैं। रेट तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही हाई है, सारे जो कुछ करीब सौदा होता है तो आपको दिखाते हैं। आए हैं, चले आए फसल में, फिर रेट की पोजीशन क्या है यार? ये बछड़ा खड़ा है ये देखो आप, ठीक है, ये मतलब का बछड़ा है, 15 लाख रुपये इसके मांग रहे हैं। 15 लाख पर मन के हिसाब से भी बात की जाए ना मेरे भाई, मेरे हिसाब से तकरीबन 6-6.5 मन 7 मन जानवर, तो जो इस वक्त रेट की जो पोजीशन है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि राउंड 1 पे जो है हमारा मिशन कंप्लीट होगा। बहरहाल खैर, शौकीन है, एक मंडी का दीवाना उधर है, अपन मंडी का कीड़ा। तो पिछले साल से रेट क्या लगते हैं, मतलब ये जानवर पिछले साल जो लास्ट टाइम 3.5-4 का जानवर था उसकी डिमांड होती थी 6-6.5 लाख रुपये, सही है, उसकी डिमांड हो गई है 12 लाख रुपये। ओहो, मेरे हिसाब से अब वही बात है कि ये इस वक्त अभी बिल्कुल वो में पागल, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही बात है कि चांद निकलने का वेट करना है भाई। एक नुकरा देखा है छोटे ने, कहाँ देखा भाई? हाँ भाई, इन्होंने कोई चीज़ निकाली है, वो दिखाते हैं फिर। चले देख कर आप। तो भाई ये दो जानवर निकाले हैं, एक ये जानवर है, जानवर तो पसंद आ रहा है, लेकिन जो है ना एक वो जानवर निकाला था लेकिन वो बांध दिया, रेट बहुत ऊपर है, रेट बहुत ऊपर है। अब ये जानवर है, पिछले साल इसकी क्या डिमांड कर रहा था, 5.5 कर रहा था, अभी 8 लाख रुपये कर रहा है, तो उन्होंने मॉल में भी जो है ना 3-3 लाख रुपये का डिफरेंस रख दिया, 4-4 लाख रुपये का कर दिया बल्कि।
पता नहीं क्या है ये काम दे, तुम दिमाग में बना के बैठा है ना, 1 लाख रुपए का इससे डबल गोश्त निकल जाएगा जानवर का। तो बोल लो मन तो देखेंगे, गोश्त तो दिखेगा ना बंदा, देखेगा ना बंदा, आप भी समझते जानवर को दे रहे हो, पैसा नहीं चल रहा है आप लोग का दिमाग, कुर्बानी इधर बैठा हुआ है, कुर्बानी का तो पैसे जायज मांगोगे ना, आप भी तो जायज ही मांगोगे, 6 लाख में भी नहीं बनेगा तो 6 लाख का कौन लेके जाएगा जानवर, नहीं नहीं खड़ा हुआ थोड़ी ना, तो खड़ा हो खड़ा रहे तो हो जाएगा, लेकिन नसीब बनाना भी तो पड़ता है, 6 में भी नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। 7 लाख वो जानवर के मांग रहा था, लेकिन उसके जो है ना 4.5 भी लगा दिए, लेकिन वो नहीं दे रहा, बोला 6 में भी नहीं होगा। आइए 2 नुकरे निकाले इसके, ये लोग 7.40 डिमांड कर रहे हैं, जोड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन इसके जो है ना इसके रेट मुझे यहाँ पे थोड़े मुनासिब लगे, इस जानवर के भी मतलब से 3.80, जानवर के भी 3.20, तो इसके थोड़े से रेट मुनासिब लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 नुकरे हैं, अब देखें इसकी क्या बात बनती है, अल भाई रेट तो मुनासिब है इसके, मुनासिब तो है यार, ये कि 7.5 इन्होंने मांगे, हमने 4 लाख रुपये लगाए, अब देखो कहाँ तक बात बनती है। अब मैं तुम्हें खरीद बताऊंगा ना, तुम देखेंगे नहीं, कितनी महंगाई है यार, पानी का ड्रम देखो ना कितना था, ड्रम खरीदने जाओ बहन जो 1500 रुपये, इसमें क्या होता, 3 जानवर में नहीं, एक बल्ब लटका हुआ है, एक बल्ब 1500 रुपये का। भाई उस नुकरे का तो सौदा नहीं बना, वो जो है ना अपना 4 भी लगा दिया तो बिल्कुल लचक ही नहीं दे रहा, तो एक और बछड़ा खुलवाया है, उसके रेट भी थोड़े मुनासिब है, देखते हैं इसमें क्या मामला चलता है। अभी ये के जो बछड़ा खुलवाया था उसी बछड़े की बात कर रहे हैं, देखते क्या होता है। नहीं नहीं अभी देखो बोल कम गया ना तो बैठक, अक्सर पता है क्या होता है, मैं सही बता रहा हूँ, बोल थोड़ा लोग कम भी मांग रहे हैं ना, पर जो ज़्यादा मांग रहा है फिर वो पता है क्या करता है सीधा, अभी तुमने पैसे मांगे, देख बड़ा बच्चा खड़ा ना, ए पेपर खड़ा 1.5 लाख 15 लाख महीना 8 लाख, नहीं वही कह रहा हूँ, मोल अच्छा होगा ना तो भाग रुकता भी, अब तुमने चलो मोल ऐसा मांगा, लेकिन हमने भी तो तुम्हारे पैसे जो है ना वो नजायज दिए, ना ना ना, लेकिन बहरहाल तुम मुझे अपना एक रेट बता दो, ठीक है मुझे आएगा भी अपने अपना सही वाला बिल्कुल जो आपसे हो सकता है कम से कम में मुझे बता दो, मुझे समझ में आया बता दो, खत्म हो गया, मैंने अपना एक अपना बता दिया तुम्हारे वो को ऊपर नीचे गुंजाइश करके बढ़ा दिया, आप मुझे सही है बिल्कुल दस दो, 5 लाख 20 हज़ार 6 लाख 20 हज़ार इसका भी सौदा जो है ना नहीं बन पाएगा, क्योंकि वजह यह है कि मांग तो ये लोग थोड़ा सा मुनासिब रहे, लेकिन लचक बिल्कुल भी नहीं दे रहे जो है ना, मतलब ये अगर 6 मांग रहे तो वो जो है ना 5.80 5.5 पे से कम नहीं कर रहा। हाँ फैसल भाई क्या सिचुएशन रही मंडी की? चलने के बाद तो इस वक्त लग गई है भूख, और अगर आप मंडी आते हो तो जो चने की दाल फ्राई वाला जो सीन होता भाई, अगर वो ना खाया तो फिर कुछ भी नहीं खाया, सही है। तो फिलहाल अभी जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अगर हिम्मत बचती है और मजीद सौदे की तरफ चलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई सौदा कोई करीब करीब भी आया नहीं आया, करीब करीब नहीं आया भाई, अगर हम कराची में रह रहे तो वो लड़काना पे वो वाली मिसाल है, इतना दूर है। बहरहाल खैर कोशिश कर रहे हैं, इंडियन बात वही है कि मंडी का कीड़ा तो आया लगा रहेगा, घूम रहा है यहाँ मंडी, गायें लेके जाएंगे या फिर बकरे की नौबत तो नहीं आएगी, बकरे की नौबत तो नहीं आएगी इंशाल्लाह, नियत की इंशाल्लाह तो फिर लेकर ही जाएंगे। बहरहाल खैर आसान नहीं है, राउंड 1 में नहीं होगा तो राउंड 2 राउंड 3 तो अभी लगाते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या मंगवाया है भाई, आ जाए ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कैसे ढाबे का नाम क्या है, तो भाई अभी थोड़ा सा घूमे हैं, लेकिन रेट इतने हाई थे कि अभी जो है ना थकान ऐसी हो गई है, जैसे रेट सुनने के बाद 2-2.5 घंटे वाली हालत हो जाती है, रिव्यू लो तो भाई की तो हालत 1 घंटे में पूरी हो गई है।
एक घंटे में आना टाइड हो गई है। इसीलिए भाई को चार्ज करने के लिए हमने जो है प्लान किया कि हम खाते हैं फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा सोते के लिए निकलते हैं। चलो फिर खाते हैं, उसके बाद एनर्जी आएगी, उसके बाद फिर चक्कर लगाएंगे। अपनी दाल फ्राई तो आ गई, अंडा घोटाला तो आ गया, मंडी में घूमना तो चलता रहेगा लेकिन पेट पूजा नहीं रुकनी चाहिए। चलो भाई बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, असल भाई इतनी बड़ी देर से मंडी में घूम रहे हैं, कुछ मामला बने नहीं बने यार? वही वाली बात है कि मिशन वाली जो बात की थी ना मैंने कि राउंड वन तो मुझे जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अच्छा, तो कोई दूर दूर तक भी सौदा बना नहीं है तो राउंड टू पे कहाँ नहीं जाएगी भाई की हालत देखो, वो खड़े खड़े क्या सोच रहा है। हाँ हाँ भाई, तो सोचो मैं घूमें इस वक्त हालत हो गई बुरी हालत है। अभी खाना खिलाया है। अच्छा, अभी खाना खिलाया है पर उसके बाद दोबारा भूख लग गई, रोल मंगवा लिया उन्होंने। ओहो, क्योंकि एक मशहूर कलेजी रोल खाते हुए आप देखो वो देखो यानी कि चलना इतना पड़ रहा है कि बस सब पार्किंग मिनटों में खत्म हो जा रहा है। पार्किंग की तरफ जाएंगे, राउंड वन हो गया खत्म, इंशाल्लाह राउंड टू लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो वीडियो एड कर। चलें बस थोड़ा सा और घूम लेता उसके बाद देखते हैं। हाँ वैसे भाई, कौन से ब्लॉग में आ गए फिर? ये कौन सा ब्लॉग है? मंडी के हम दूसरे सूबे में आ गए, एक साइड हम पंजाब में थे। अच्छा, अभी ये वाला जो सूबा है वो है केपीके, यहाँ जाके देखते हैं कि केपीके में रेट कम है या नहीं है। अच्छा, तो पंजाब में रेट ऊपर है तो केपीके में भी रेट ऊपर ही होंगे। बोले सही है, लेकिन बाहर सर सुनने में तो यह है कि रेट यहाँ पर कम है, आके चलते हैं। चले मैं आप क्यों तसल्ली कर लेते हैं यहाँ पे क्या रेट होता है? रेट ऐसे क्यों है, क्या चक्कर है? हम कराची वाले मतलब कुर्बानी भूल जाए फिर भी मतलब यार एक जानवर एक मिसाल है, कितना होगा भाई? ये जानवर देखा है, दो छोटे छोटे इतने प्यारे से माशाल्लाह, लेकिन इसने जो ना दांत भी नहीं निकाले अपने, बच्चे हैं घर है। के बच्चों के साथ साथ ना इसको भी पाल ले मेरे हिसाब से। अच्छा, घर के बच्चों के साथ इसको भी पाल ले आप, और ऐसे खड़े होंगे कि माशाल्लाह खूबसूरत फेस दिखा बेटा इसका। अरे भाई फेस तो देखो यार, गिरे हैं ये भी गिरे तो भाई केपीके से हम बाहर आ रहे हैं और राउंड वन का भी यहाँ पे अख्ताम हुआ है तो हम घर को जा रहे हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। राउंड टू भाई, तो फाइनली हमारा आज राउंड टू है और इंशाल्लाह आज जो है राउंड टू में जानवर लेकर जाना है, क्योंकि राउंड वन तो हमने बड़ी ख्वारी की यार, जानवर मिला नहीं हमें, तो आज राउंड टू लगाया हमने। आज चांद भी निकल चुका है, 10 दिन रहना है, तो आज इंशाल्लाह जानवर लेकर जाना है। तो इस जानवर की बात चल रही है, 7:30 इसने डिमांड करी है, लेकिन जानवर ऐसा हो रहा है फुल रॉकेट असद करीब जाएंगे उसको करेगा कुछ नहीं, वैसे ये शरीफ है। नहीं नहीं शरीफ है, बिला वजह नहीं आ रहा भाई, दे रहा पहला घेर तो दे दिया उसने। ये देखो कुछ आया भाई नीचे? हाँ ये क्या थोड़ा सा फुर्राट है, क्या बोल रहे हैं इससे? 6.5 लाख रुपये फाइनल किए इसके, 7.5 मांगे थे इसके, और हमने जो है तकरीबन 3,80,000 रुपये लगाए, मैक्स 4 लाख रुपये। लेकिन चलो आगे निकलो भाई, बिस्मिल्लाह। फाइनली गाइस, 3 घंटे ख्वार होने के बाद राउंड टू के बाद जो है वो सौदा हमारा माशाल्लाह हो गया है। हाँ भाई गिनती कर लो भाई। हाँ करते हैं भाई, करते हैं। ये जो खुशी है ना इस वक्त अभी जानवर मिलने की है। जानवर दिखाते हैं आपको भाई माशाल्लाह से। हाँ भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे भाई। तू क्या बोलेगा भाई? यही भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बस यार अल्लाह पाक कबूल करे। एक चीज है,
बेचारा वहाँ रह गया। हाँ यार ये तो बड़ा मसला है इसके यार, शरीफ हुआ है थोड़ा, थोड़ा सा शरीफ बस, ये कि उतरने के बाद जो है ना ये सपाटर ना करे। फाइनली गाइस जानवर ले लिया भाई, चलो गाड़ी के साथ चलें ऊपर चढ़ाएं। तो व्यूअर जैसे मैंने आपको बताया कि सौदा हमारा तो हो गया डन, लेकिन हमें मिल गया यहाँ पर हमारे एक रिश्तेदार, क्योंकि मंडी जो उन्होंने लूटी है ना, मैं उनके जानवर का सौदा दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई अवेद भाई, अवेद भाई खुश लग रहे हैं आप बहुत हैं, जानवर ले लिया आपने, अल्लाह का शुक्र क्या ले लिया आपने, हमने सुना जानवर मंडी तो लूट ली आपने, बस फैसल भाई अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की दाते दिलाने वाले, चलो फिर दिखा दे अपना जानवर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अवेद भाई कितने ले लिए आपने? या ये लिया माशाल्लाह हमने 285। तो वही शारिक भाई खड़े हैं, शारिक भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, मुतमईन है आप, बिल्कुल पसंद का जानवर मिला है आपको, पसंद का मिला। चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह जानवर बड़ा प्यारा है। राशिद खुश हैं आप जानवर आपका माशाल्लाह, ये भी। चलो फिर अभी निकलने की सेटिंग है इंशाल्लाह। और ये नबील भाई पायल लेके खड़ा हुआ बेचारा, अकेले पहना रहा है, लेकिन जानवर जो है ना पहना नहीं पा रहा है जानवर को। खुशी होती है ना भाई जानवर मिलने के बाद, ये जो खुशी है, और उसके बाद आपको फिर आपके अपने भी मिल जाए, और फिर दो जानवर की लोडिंग अनलोडिंग वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई ये राशिद भी अपने जानवर को पायल बनाते हुए डर रहे हैं, फैसल भाई ने हिम्मत करिए भाई, पूरी जान मार रहा है ये, पूरी जान मार रहा है। ओ, 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 अबे पहना दिया भाई, पहना दिया भाई, जितनी हिम्मत से मैंने उसको दो पायल पहनाए है ना, हाँ। जो वहाँ पे मेरा जानवर खड़ा हुआ, दुआ करेंगे मैं उसको पहना सकूँ। असद आ रहा है, आ रहा है सर, क्या हुआ जानवर थोड़ा सा सीधा हुआ ही नहीं हुआ? सीधा तो हुआ है, लेकिन वही बात है ना, एकदम से आ रहा है तो अच्छा, थोड़ा सा गुस्से वाला है अभी यार, इस बांस जो है ना इसके बिल्कुल करीब है जो है ना, ये बार बार बांस गिरा रहा है, इसको लाग रेंड में सीधा करेंगे। कैसे सीधा करोगे? लाग रेंड ट्रांसफर टू। अच्छा बस बस, ज्यादा करीब नहीं जा, करीब नहीं जा। खाने वाने का पूछ लिया, क्या बोल रहा है इसको खाने के लिए? यार इसका प्रॉपर बंडा बनेगा दो टाइम। अच्छा तो पायल पहनाने मना कर रहे हैं उसको? पायल पहनाने मना कर रहे हैं। अच्छा बेहतर हुआ भाई पहले से कुछ? बहुत बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। चलो भाई शुक्र है गाइस, थोड़ा ठंडा तो हुआ ये जानवर। और मुश्किल से जानवर चढ़ा है, अब इंशाल्लाह इसकी लोडिंग भी दिखाते हैं आपको। लोडिंग कहाँ होगी? बल्कि लोडिंग होगी ब्लॉक एफ पे, नॉर्थ हैदराबाद ब्लॉक एफ। तो गाइस फाइनली जानवर ले लिया हमने, लेकिन मसला ये जानवर थोड़ा ना बहुत मार रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इन भाई को हमने साथ रखा है। तो भाई आप इसको सेफ मतलब सही जगह पे, आप जहाँ पे जा रहे हैं उतार देंगे इसको? बांध लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो ये जानवर की मतलब नस्ल वसल कौन सी है? ये चोलिस्तानी बच्चा है। तो आपने इसको कितने साल पाला है? ये दो साल से ऊपर है। दो साल से ऊपर है फाइनली। फैसल भाई कैसा लग रहा है जानवर लेने के बाद? साल का जो इंतजार होता है ना, एसी का जो मजा है, वो बात है। भाई फाइनली जानवर यहाँ पर आ गई है सेटअप पे, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना अभी भी एग्रेसिव हुआ हुआ ही है, बस लग रहा है खैर खैरियत से उतर जाए। यही मसला है, मैं कह रहा था भाई। तो भाई फाइनली जानवर अनलोड हो गया है, जिस हिसाब से हरकतें कर रहा था तो डर लग रहा था कि पता नहीं कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
हाँ फिर सुकून है, फिर आराम से उतर गया जानवर भाई। किस तरीके से जानवर हरकतें कर रहा था भाई, हमें तो टेंशन थी कि वो उतर जाए। अल्लाह का शुक्र है सुकून से उतर गया भाई, क्योंकि पूरे रास्ते भर जो ना लाते वाते मारते हुए आए, ये जानवर सुकून से उतर जाए भाई। इंशाल्लाह भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।